लोकसभा चुनाव में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है जब नेताओं को शर्मिंदा होकर वापस लौटना पड़े। ऐसा ही कुछ पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के साथ हुआ जब वो मोदी के खिलाफ भाषण देने माइक संभालने लगे तो जनता मोदी मोदी के नारे लगाने लग गई। जानिए इसके बाद क्या हुआ। गुजरात के जामनगर की है घटना। गुजरात के पिछड़ों के आंदोलन से चर्चा में आए हार्दिक पटेल 12 मार्च को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। हर मंच पर अब वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते नजर आते हैं। होली के दिन भी उन्होंने गुजरात के जामनगर में एक सभा में शिरकत की। इस दौरान वो भी मोदी सरकार की आलोचना कर लोगों को लुभाने की कोशिश करने वाले थे। हालांकि उनके साथ चौंकाने वाली घटना हो गई। माइक संभाला और लगने लगे मोदी मोदी के नारे। हार्दिक पटेल जामनगर की सभा में पहुंचे तो उनसे लेकर पूरी जनता के चेहरे पर रंग लगा था। सब होली खेल रहे थे। इस दौरान जैसे ही हार्दिक ने माइक पर भाषण देना चाहा, इतने में जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जितनी बार भी वो भाषण देने की कोशिश करते, हर बार जनता यही नारे लगा देती थी। हो गए शर्मिंदा, वापस चले गए। जनता का मूड देखकर हार्दिक पटेल के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उन्होंने थोड़ा बोलने की कोशिश भी की लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं सुना। इसके बाद वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए। इस घटना के बाद कार्यक्रम के संचालक ने माइक हाथ में लेकर लोगों को शांत रहने के लिए कहा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।